अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान, कोई ताबीर अधूरी न रहे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं कशफ कसर और आप देख रहे हैं कससुल अंबिया सीरीज। आज हम आपको हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का वाकया सुनाएंगे। प्यारे बच्चों, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का वाकया सूरह कहफ के अंदर मौजूद है। एक दफा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से बात करते हुए कहा कि अल्लाह ताला, मैं तो वक्त का नबी हूँ और नबी जिसको सबसे ज़्यादा इल्म होता है, क्या मुझसे भी ज़्यादा इल्म रखने वाला कोई शख्स इस दुनिया के अंदर मौजूद है? अल्लाह ताला ने कहा, अगर तुम ऐसे शख्स से मिलना चाहते हो तो जाओ, मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ जहाँ पे वो शख्स तुम्हें मिलेगा और उसकी निशानी ये है कि तुम दरिया के साथ साथ चलते जाना, जब तुम्हारी मछली दरिया के अंदर गिर जाए वही वो जगह होगी जहाँ वो तुम्हें शख्स मिलेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम को, जो कि उनके साथी थे, अपने साथ लिया और रवाना हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम चलते रहे, चलते चलते बहुत दूर का सफ़र तय किया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भूख लग गई। उन्होंने यूशा अलैहिस्सलाम से खाना मांगा तो हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम को याद आया कि अरे, वो खाने में जो मछली थी वो तो मछली उस मकाम पर पीछे कहीं, वो तो दरिया के अंदर गिर गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, चलो जल्दी से वापस चलो, उसी मकाम पर तो हमारी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात होनी है। दोनों वहाँ पर पहुँचे और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मिले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, लेकिन आप सब्र नहीं कर सकेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मतलब भाई? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखिए, मैं जो कुछ करता जाऊंगा उसके ऊपर आपने कोई सवाल नहीं करना, क्योंकि मैं जो कुछ करता हूँ अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से करता हूँ, इसलिए आप खामोशी से मेरा साथ दीजिएगा और मेरे साथ चलते रहिएगा, इस तरह हमारा सफ़र जारी रहेगा। लेकिन अगर कहीं आपने सवाल जवाब किए तो फिर हम दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया कि ठीक है, मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूँगा। दोनों चले। फिर इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सफ़र शुरू किया। रास्ते में एक दरिया आया, वहाँ पर कुछ किश्तियाँ थीं। जो किश्ती चलाने वाले मल्लाह थे उन्होंने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी किश्ती में सवार कर लिया। जब ये साहिल पर पहुँचने लगे तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक अजीब हरकत की। उन्होंने उन मल्लाहों की कश्ती का तख्ता तोड़ दिया और उसके अंदर नुक्स पैदा कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बोल उठे, यह आपने क्या किया? उन्होंने तो हमारे साथ नेकी की थी, हमारे साथ हमदर्दी की थी, हमें मुफ्त में दरिया पार करा दिया था और आपने उन्हीं की कश्ती को नुकसान पहुंचा दिया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपना वादा याद दिलाया, कहा था ना मैंने कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अपना वादा याद आया तो वो खिज़र अलैहिस्सलाम से माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि ठीक है, अब मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूँगा। फिर वो एक बस्ती के अंदर पहुँचे। उस बस्ती के अंदर उन्होंने हर किसी से कहा कि हम मुसाफिर हैं, बहुत दूर का सफ़र तय करके आए हैं, बहुत थके हुए हैं, भूखे भी हैं, हमें प्लीज़ खाने के लिए तो कुछ दे दो। किसी एक आदमी ने भी उन दोनों को खाने के लिए कुछ नहीं दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थक हार कर बैठ गए। फिर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक और अजीब हरकत की। उन्होंने एक दीवार की तामीर शुरू कर दी। वो दीवार जो टूट रही थी, खस्ता हाल थी और गिरने वाली थी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उठे और उस दीवार को बनाने लगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र अलैहिस्सलाम से कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? इन बस्ती वालों ने, जिन्होंने हमें खाने के लिए नहीं पूछा, जिन्होंने हमें पानी के लिए नहीं पूछा, जिन्होंने हमें रहने के लिए कोई जगह नहीं दी, हमारे साथ कोई नेकी नहीं की, आप उनकी ये खिदमत कर रहे हैं और बिल्कुल मुफ्त कर रहे हैं, कोई मुआवजा ही ले लेते। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना वादा याद दिलाया, देखा मैंने कहा था ना कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बस ठीक है, ये आखिरी मरतबा, लास्ट चांस दे दीजिए, इसके बाद मैं आपसे कोई सवाल करूं तो मुझे अलग कर दीजिएगा। अभी थोड़ा सा आगे ही बढ़े थे कि वहाँ पर देखा कि कुछ बच्चे आपस में खेल रहे हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को उठाया और उसको कत्ल कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी दबते रह गए। मैंने कहा, ये आपने क्या किया? एक मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया।
हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है बस बहुत हुआ, अब हम और तुम एक साथ नहीं चल सकते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया, अब हमारे रास्ते अलग अलग होंगे, लेकिन पहले मुझे बता तो दीजिए कि आपने ये जो तीन काम किए इसके पीछे क्या हिकमत थी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा मैं जो भी काम करता हूँ अल्लाह के हुक्म से करता हूँ, अपनी मर्ज़ी से नहीं करता, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था इसलिए मैंने ये तीनों काम किए। पहली दफ़ा जब मैंने मल्लाहों की किश्ती के अंदर नुक्स पैदा किया था, उनकी किश्ती का एक तख्ता तोड़ दिया था, वो इस वजह से तोड़ दिया था कि अगर वो आगे जाते तो वहाँ पर एक जालिम बादशाह था जो किश्तियों के ऊपर कब्जा कर लेता था और उन्हें ज़बरदस्ती अपने बहरी बेड़े के अंदर शामिल कर लेता था। जब मैंने वो नुक्स पैदा कर दिया, मैंने इसीलिए उनके साथ ये नेकी की ताकि बादशाह उनकी किश्ती का नुक्स देखे और फिर उनकी किश्तियाँ छोड़ दे और उनके ऊपर कब्जा ना करे। और दूसरा काम जो मैंने किया था दीवार की तामीर का, तुमने देखा तो कि उस बस्ती के लोग कितने जालिम थे और कितने लालची भी थे, उन्होंने हमें खाने तक के लिए नहीं पूछा। दरअसल वो दीवार यतीम बच्चों की थी, उन बच्चों के वालदैन नहीं थे और मरने से पहले उन्होंने उस दीवार के अंदर अपने बच्चों के लिए एक ख़ज़ाना छुपाया था ताकि जब वो बच्चे बड़े हों तो उस ख़ज़ाने को दीवार में से निकाल कर उसको इस्तेमाल कर लें। अगर वो दीवार गिर जाती तो वो ख़ज़ाना बाहर आ जाता और लोग जब देखते तो उस ख़ज़ाने को लूट लेते, इस तरीके से उन बच्चों के हाथ कुछ भी नहीं आता। तो मैंने इसलिए उस दीवार की मरम्मत कर दी ताकि वो बच्चे बड़े होकर उस दीवार में से अपना ख़ज़ाना निकाल सकें। और तीसरा काम जो मैंने किया उस बच्चे को कत्ल कर दिया, तो ये भी अल्लाह के हुक्म से किया। उस बच्चे के वालदैन बहुत नेक इंसान हैं और ये बच्चा बड़ा होकर बहुत ही बुरा बहुत ही ख़राब इंसान बनता जिसकी वजह से उनके वालदैन को दुख और तकलीफ़ पहुँचती। तो अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि मैं उसके वालदैन को इस दुख और तकलीफ से बचा लूं, इसीलिए मैंने उस बच्चे को कत्ल कर दिया। अब अल्लाह ताला उनको अपने पास से एक नेक और सालेह औलाद दे देगा। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ताला के हर हुक्म में और हर काम में कोई ना कोई हिकमत पोशीदा होती है, हमारी तो अकल नाकिस है। इंसान को नहीं पता होता कि अल्लाह के किस काम में क्या मसलियत है, इसीलिए तो हमें अल्लाह के ऊपर ईमान लाने का हुक्म दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए तो सूरह कहफ को पढ़ने का भी हुक्म दिया गया है कि ये सूरह कहफ हमें दज्जाल के फितने से महफूज रखेगी। तो प्यारे बच्चों, आइए आज हम वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम सूरह कहफ को अपनी रूटीन में शामिल करेंगे और अल्लाह के रसूल की हिदायत के मुताबिक इसकी हर जुम्मे को तिलावत करेंगे और इसको समझकर पढ़ेंगे ताकि दज्जाल के फितने से महफूज रह सकें।